কিন্তু ইয়াতে প্যারাগ্লাইডিং হয় এই জায়গা ইয়ে পর ঢাকাই কইছে কসুবা ভিতর সো ইয়ে জওয়াহরলাল নেহরু কা স্ট্যাচু হে वो फायरिंग करता था ना हाँ ऊपर से उसका फायरिंग करता था ये पूरा जेल वगैरह है इसे पूरा लॉक करती सो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब व्हाट के बॉस हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है ब्रीज और मैं जा रहा हूँ आज नंदी हिल्स नंदी हिल्स मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 20 minutes का बाइक राइड है इट इज 75 kilometers सो मैं नंदी हिल पहले पहुँचता हूँ उसके बाद हम लोग का प्लान है कि एक दूसरे लोकेशन में चलने का भी सो वहाँ पर भी जाऊँगा बट उसके बारे में ऑन द वे आपसे बात करूँगा सो मैं अपने एक दोस्त को पिक करता हूँ यहाँ से और उसके बाद अपना राइड स्टार्ट करते हैं दोस्त को पिक कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स नंदी हिल्स होगा फर्स्ट लोकेशन और उसके बाद हम लोग जाएंगे चिकबालापुर जहाँ पे 112 फीट का मैसिव लॉर्ड शिवा का स्टैचू है पर उससे पहले चाय ब्रेक ले लेते हैं भैया चाय होगा दो चाय देना भैया तो चाय पी के यहाँ से चलते हैं अभी थैंक यू भैया यहाँ पे मेरा बाइक तो यहाँ से चलते हैं सो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक अगर एक पार्ट में कंप्लीट होता है देन इट्स वेल एंड गुड नहीं तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो सो ऑन द वे हम लोगों ने गलती कर दिया हम लोग दूसरा रोड पकड़ लिए और पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट रोड सो ये है एयरपोर्ट रोड और यहाँ से हम लोग अभी यू टर्न लेंगे लेके निकलेंगे टूवर्ड्स नंदी हिल्स 6 o'clock हम लोग पहुंच जाएंगे जब सनराइज होगा एंड नंदी हिल्स इज फेमस फॉर सनराइज सो उसी के लिए हम लोग जल्दी प्लान करके निकल रहे हैं यहाँ से एंड होपफुली वी विल रीच इन टाइम एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट यहाँ बाइक पार्किंग करके अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाना है यहाँ पे हेलमेट भी रख सकते हैं टिकट काउंटर हम लोग भी लाइन पे हैं सो टिकट का प्राइस 70 rupees पड़ा टू पीपल और एक बाइक का ये लिए हो गया बोल के हाँ ठीक है थैंक्स तो यही है ये है एंट्री हम लोग को टिकट तो दे दिया है ये टिकट का इतना ही बोले रिकॉर्ड इतना ही रिकॉर्ड हुआ है ये बिल लास्ट हो गए हाँ लास्ट हो गया तो ऐसे यहाँ से एंटर करके हम लोग को स्ट्रेच है ना सो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 AM और अभी भी अंधेरा है और पूरा क्राउड जा रहा है व्यू पॉइंट में सनराइज देखने के लिए सो हम लोग भी उन लोग के पीछे पीछे जा रहे हैं टूवर्ड्स द व्यू पॉइंट क्योंकि अभी रास्ते का कुछ पता नहीं है क्योंकि जहाँ क्राउड लेके जा रहा है वही हम लोग भी जा रहे हैं सो फाइनली पहुँच गए व्यू पॉइंट तो यही है नंदी हिल्स का व्यू पॉइंट और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं सन का निकलने का बहुत ठंडा है यहाँ पे और पहुँच गए फाइनली तो मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे जाके एक्सप्लोर करते हैं तो कैसे भी नीचे जा रहे हैं नीचे से देखते हैं कैसा सीन फुल्ली क्राउडेड है फर्स्ट बार फर्स्ट टाइम ভাল লাগিছে না नो ए स्टेयर्स तक बोले हो स्टेयर्स नहीं देखो नहीं आते सो व्यू पॉइंट ऐसा दिखता है जहाँ से मैं सन देख रहा था पहले और यहाँ पे एक टेम्पल है अभी जा रहे नीचे तुलफले जाऊँ मेरे तो ये रोड से नीचे की तरफ जाते हैं मंदिर का ये बैक साइड हो जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ जाके हम लोग को दूसरा व्यू पॉइंट दिखता है सो हम लोग वहाँ से भी जाके देख रहे हैं कि कौन सा व्यू पॉइंट अच्छा दिखता है सो अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ से वीडियो लेंगे सो दिस इज हाउ द व्यू पॉइंट लुक्स लाइक सो अभी सन निकला नहीं है और अभी पूरा क्राउड भरा हुआ है सनराइज देखने के लिए सो अब जहाँ देखोगे वहाँ पर ही पूरा क्राउड वेट कर रहा है मतलब सब लोग आके वेट कर रहे हैं देखने के लिए और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में ताकि यहाँ से कुछ अच्छा व्यू दिखे और यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे दिखाएंगे सो यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा था सो ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू और जहाँ हम लोग पहले खड़े थे वो भी दिखाता हूँ उसके ऊपर हम लोग खड़े थे पहले
और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, सो बहुत पीसफुली यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। सो इसी के लिए हम लोग नीचे आ गए हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सारा क्राउड था एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक वीडियोज़। सो नीचे आने से यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा था हम लोग को। सो दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। और यहाँ पे मैंने ड्रोन फ्लाई करने का ट्राई किया, पर ड्रोन जब फ्लाई किया तब ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विंड आ रहा था, तो इसलिए ड्रोन फ्लाई नहीं हुआ। बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू फ्लाई माई ड्रोन। ऊपर से ही व्यू पॉइंट है, ऐसा दिखता है ऊपर से। सो फाइनली सन निकल गया एंड एवरीवन वेर बिजी टेकिंग वीडियोस। सो हम लोगों ने कुछ वीडियो क्लिप्स लिया ऊपर से भी एंड नीचे का भी। फाइनली धूप निकल गया, आप देख सकते हो, और धीरे धीरे क्राउड भी कम हो गया इधर में। और हम ही आते ना एयरपोर्ट जाऊँ और बेले लोकेशन ना पूरा बिजी एकदम, मैंने पूरा वीडियो पूरा बिजी है के बारे। और पहुँचते हैं नया लोकेशन में, तो यही है नंदी हिल्स, ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो सनराइज देखने के लिए बेस्ट प्लेस है इन बैंगलोर, और वहाँ पे एक टेंपल। सब दीदी लोग रेडी कर रहे हैं फूड फूड सैलेड मैंगोज। होटल भी है और इस साइड में भी होटल है। ओ गाड़ी खन रे आसिल न एतु याते लो है त माने लोबो है थबो है एरु की रेस्टोरेंट है पहाड़ी के न ए कुन फल दिया हिलु। और वहां से निकलने के हम लोग रास्ता भूल गए, हम लोगों को पता ही नहीं अभी कहां से निकले थे हम लोग। सो वहीं पे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे लोग का खेलने का ग्राउंड भी है, और हमको पता नहीं कि इस नीचे वाले रास्ते से जाना है कि ऊपर वाले रास्ते से जाना है। सो हम लोग उधर ही ऑलमोस्ट लाइक 3 चक्कर काट लिए, घूमते रहे वहाँ पे सेम लोकेशन में 2-3 times। पर एक बार अच्छा हुआ कि हम लोग को बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिला, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। सो ये है बहुत ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू भी है। और यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, बहुत सारे गार्डन्स है एंड जो रोड जाता है, पर वो एक ही जगह में कनेक्ट होते रहता है। मेरे कोट बने सब सीरी ला एक के देखा देखा सब सीरी एक ही सब एक जैसा दिखने में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है मतलब। हाँ खाली वे टू रिसेप्शन लिखा है खाली। हाँ सर विचारी अमी पूरा तीन ही चक्कर लगा दीस अमी ऑलमोस्ट 7 बजे पर 8 बजे गए सर 7 o'clock से 8:30 हो गया अभी। यू सर मिनी पार्टी तो आरो आसिल दे जूता मंदिर हिट है। तो गाइस देखो हम लोग ये तो योगा से योगा करियो पड़ी है ना आराम से बैठ इन्हें के स्टेज बना से पूरा हिल काटी फैलाए ना पूरा हिल सिल का हिल काटी काटी मंदिर नंदी। सो अभी हम लोग पहुंच गए एक दूसरा व्यू पॉइंट जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पे नंदी का पत्थर से कर्विंग भी किया हुआ है। और ये व्यू पॉइंट भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ से भी सनराइज देख सकता है, पर हम लोग ने दूसरा व्यू पॉइंट से देखा था। सो आते समय हम लोग को ये व्यू पॉइंट दिखा, सो हम लोग यहाँ पे भी वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए कैसा दिखता है यहाँ का व्यू पॉइंट। और अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। एकदम सालिया जगह मॉर्निंग आई बेसि भाल ऐसे स्टेज बनाए ऐसे पत्थर कट करते कौन था लोहार लोहार बेस तो लोहार ऊपर ऊपर काठोर এবাৰ থাকিব কাৰণে বনাইছিল আগতে থাকে মানে মানুহবিলাক আহিলে থাকিব পাৰে গেষ্ট হাউচ টাইপৰ। तो यहाँ पे छोटे छोटे घर दिखे जिसका बेस लोहा से बना हुआ था और वुडन का फ्रेम था ऊपर में। सो भाई ये से देरी की उठे जाते सके हमारे एक्टिव न है अंधार 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 मुंडार हो ना इतना मोट पूरा हम इफाल दिए ये करूँ राति जाऊँ न सो ये जाए और। सो अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर पहुँचने से पहले हम लोग को
टीपू सुल्तान का लॉज भी दिखेगा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एग्जिट गेट से पहले ही मिलता है। हेलो, हाय, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग? हम भी बढ़िया है। ये टीपू सुल्तान का था ना पहले? सो इट वाज टीपू सुल्तान। चैनल का नाम ब्रीज सहानी। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत पुराना घर है ना? बहुत पुरानी घर है। जेल भी है इधर ना? तो अंदर भी है जेल ना? तो दिखा दो ना सर, जेल किधर है? इसके अंदर पूरा लॉक कर दिया इसका। हाँ, तो ये वगैरह है। जैसे टिप्पू सुल्तान किसी को फायरिंग करता था ना, ऊपर से उसका फायरिंग करता था वो इधर से। ये पूरा जेल वगैरह है, इसे पूरा लॉक कर दिया है। तो ये सब लॉक है ना, सब सील हो गया अभी, पर पहले ये सब जेल था। हाँ, पहले ओपन था, सील हो गया। और यहाँ से शूटिंग करता था ना? हाँ, यहाँ शूटिंग करता था। ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर से। और ये शिकार करने भी आता था ना वो? हाँ, शिकार करने वाले। बहुत ही सही है। So thank you for the information. Please subscribe to my channel. And this is the jail. अंदर से ऐसा दिखता है. If you can see it, I can't see, but if you can see it, this is how it looks. यहाँ से भी चढ़ सकते हैं. So let's. नज़र भागी नज़र. बाबा तो बोला हो. जेलो कलर रेडी था किसी लोगों को तो. এইটো কিবা ভি আই পি জেল আছে চাগে, মানে ওপর টপ ফ্লোরটো দিছে। এনেকে সব জেলে হয়। তো এইটোৱে পর জেলো ল্যান্ডস্কেপটো ভাল, ভিউটো ভাল, মানে ভিউ ভাল দিছে কেডিবিলাকৰ কাৰণে। মানে হিল এতিয়াও আগতে হিলৰে আছিল ন, পথৰ কাই থা ৰেচন। পুৰা সেইটো ইস্কা অভাৰ ভিউ ऐसा है। ये तो सर पनिशमेंट ये रिसल सके नो के जी बीरा को ये तो खरा को पनिशमेंट रिसल सके। हाँ हाँ आगोते। सो यही है टीपू सुल्तान का लॉज और जेल। सो ऐसा दिखता है कंप्लीट एरिया। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं टूवर्ड्स दी एग्जिट। सो ये एग्जिट गेट है, अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग। चलो भैया बाय। एंट्री करना है क्या फिर से? नहीं, थैंक यू। আমি শর্টকাট লই যাম আর, আমার লং কাট নয় আর। আর বাইক পার্কিং ইয়াতে আছে। সো ইহা পে হে হাম হামারা বাইক, পুরা বাইক পার্কিং, বাইকে বাইক। ইতে খাওয়া কারণে ফুড কর্নার আছে, ইহা পে ফুড কর্নার হ্যাঁ, খাওয়া কে লিয়ে ইন্টারেস্টেড দে ক্যান কম এন্ড ইহা পে খা সকতে হ্যায়। দিস ইজ হ্যাঁ, ইয়ে কমপ্লিট এরিয়া জো হ্যায় বাইক আর কার পার্কিং কে লিয়ে। সো আই রেকমেন্ড কি মর্নিং কো জলদি আইয়ে, তাকি ভিউ আচ্ছা মিলে আপকো দেখনে কে লিয়ে, এন্ড এনজয় দ্য ভিউ। তো ইহা পে টোকন লেনা পড়তা হ্যায় চায় কে লিয়ে, সো ওহি অভি করনে ওয়ালে হ্যায়। ভাইয়া দো চায়, হ্যাঁ 60 না? ब्रिज सहानी। तो अभी ले रहा हूँ चाय, अभी कप में। और ये भाई चाय बना रहा है, अभी हम यहाँ चाय पियेंगे। अभी सहा में थे ना? This looks amazing. यहाँ से निकलते हैं और जाऊँ नेक्स्ट लोकेशन। और नेक्स्ट लोकेशन होगी धमाका हो ना, मैं जाए आसो नेक्स्ट लोकेशन जाए पाम आरो एक घंटा। सो यू वीडियो तो यहाँ एंड करूँ ना, सो इसी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप सपोर्टिंग। वेंकट बॉस। वेंकट, यस बॉस, थैंक यू वेंकट फॉर 20 इयर्स सर्विस सर। दिस पार्किंग इज फुल सेफ्टी सर।
मंदिर पार्किंग। थैंक यू सो मच भैया, हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू सो मच। ओके बॉस, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय। और इसी के साथ अपना वीडियो एंड भी करते हैं। ओके बॉस।